Hello student, how are you? I hope you all are doing well. Okay student, today we will going to discuss chapter 10, birds, beaks and claws. Okay, so first topic is beaks of birds. Beaks means chonch. Okay, birds hota hai pakshi, pakshiyon ki chonch. Birds have different kinds of beaks. They have no teeth. They use their beak to catch and hold food. The shape of a bird's beak tells us about the kind of food it eats. Okay, बेटा, जो birds रहते हैं, उनके teeth नहीं रहते, उनकी सिर्फ beaks रहती हैं, जिससे वो खाना पकड़ते हैं और खाते हैं. Okay? The shape of bird's beak tells us about the kind of food it eats. बर्ड्स की शेप हमें बता देती है कि ये किस तरह का खाना खाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज हम्बिंग बर्ड. ओके, इसकी बीक देखोगे. नाउ नेक्स्ट वुड पिकर, नेक्स्ट स्पैरो, नेक्स्ट पिजन. ओके, अब इनमें क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं. बर्ड्स लाइक हम्बिंग बर्ड्स and sunbirds have long curved beak. It helps them to drink nectar from flower. Okay, जो हम्बिंग बर्ड्स रहते हैं और सनबर्ड रहते हैं, इनकी लंबी कर्व्ड बीक रहती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. वो किस किसके लिए रहती है, जैसे कि जिससे कि वो फूलों का रस पी सकें. ओके, नेक्स्ट वुड पिकर एंड होप्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक. ओके, जो वुड पिकर रहते हैं उनकी शार्प और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट एंड पॉइंटेड बीक रहती है. नेक्स्ट स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू क्रैक देयर फूड. ओके, स्पैरो की जो बीक रहती है और पिजन की रहती है, वो पॉइंटेड बीक रहती है, शॉर्ट रहती है, छोटी रहती है, जिससे वो अपना खाना तोड़ सकें. ओके, नेक्स्ट पैरट है स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक टू क्रैक सीड्स नट एंड फ्रूट. पैरट की जो बीक रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे वो नट्स एंड फ्रूट तोड़ सके. ओके, डक एंड स्पॉन बिल्स हैव बोर्ड एंड फ्लैट बीक्स और डिग मड अंडर वाटर. स्टॉक्स एंड क्रेन्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स टू कैच फिश. ओके, ईगल्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक टू टियर द फ्लीश ऑफ एनिमल्स. ओके, जो ईगल्स और वल्चर्स की जो बीक रहती है वो स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक रहती है, जिससे वो जानवरों का मांस चीर के खा सकें. ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. लुक एट दिस पिक्चर, ये पैरट की बीक है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, डक. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, क्रेन. नाउ लुक एट दिस पिक्चर, वल्चर. अब आप देख रहे हो इन पिक्चर में इन सबकी बीक अलग अलग है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्ट ऑफ बर्ड्स. ओके, अब बर्ड्स के नेस्ट कौन कौन से रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं. इनकी बर्ड्स अपने घोंसलों में रहते हैं. चलिए, द नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर यूजली कप शेप्ड. अगर आपने कभी किसी बर्ड का नेस्ट देखा होगा, वो यूजली कप शेप में रहता है. ठीक है, द नेस्ट प्रिवेंट्स द एग एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन. Nests differ in their size, location and materials used. Birds use twigs, dry leaves, cotton, thread, wool, feathers and straw to build their nest. Most birds make nest on tree. Okay, ज़्यादातर पक्षी अपना घोंसला कहाँ पे बनाते हैं, पेड़ पे. और किससे बनाते हैं, dry leaf से, कॉटन से, थ्रेड से, वूल से, फैदर से. ओके, द वुड पिकर बिल्ड इट नेट्स इनसाइड द ट्री. जो वुड पिकर बर्ड रहता है वो अपना जो
नेस्ट है, घोंसला है, वो पेड़ के इनसाइड बनाता है। ओके, द वीवर बर्ड वीव्स अ वेरी फिनिशिंग नेस्ट, स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीव्स आर यूज्ड इन वीविंग द नेस्ट। ओके बेटा, जो वीवर बर्ड रहता है बहुत अच्छे तरीके से अपना जो नेस्ट है उसको बनाता है। ओके ओके स्टूडेंट, टुडे वी रीच हाफ चैप्टर एंड रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड टुमारो। नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।